नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस बार रविवार के दिन आ रही है माघी पूर्णिमा। जो उपाय मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इस उपाय को आज के दिन जरूर करें। हमेशा दुनिया में आपका नाम होगा, आपका यश बढ़ेगा, सूर्य देव की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और भगवान नारायण की भी आपके ऊपर जबरदस्त रूप से कृपा बरसेगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। आपको करना क्या है, माघी पूर्णिमा है तो सिंपल, आज के दिन आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा तो करनी ही करनी है। स्नान आदि करें, स्वच्छ हो जाएं, पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग के कपड़े पर ही आपको लक्ष्मी नारायण की स्थापना करनी है। मूर्ति की करें या तस्वीर की करें, हल्दी या केसर से उन्हें स्नान करवाएं यदि मूर्ति है, तस्वीर है तो हल्दी और केसर का तिलक करें, घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, लाल और पीले पुष्पों की माला अर्पित करें। लाल मतलब गुलाब के पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को आज के दिन अर्पित करने से दोस्तों हमेशा घर में धन की वृद्धि होती रहती है। तो माता रानी को गुलाब की माला अर्पित करें, भगवान नारायण को पीले कलर के गेंदे के फूल की माला आज के दिन आप अर्पित करें, पीले रंग की उन्हें मिठाई अर्पित करें, सफ़ेद कलर की भी अर्पित कर सकते हैं और ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन भगवान को जब आप स्नान करवाते हैं तो स्नान करवाने से पहले थोड़ा सा बेसन लें, उसमें तिल डालें और उसका हल्का सा उबटन, यदि आपके पास मूर्ति है तो उसका उबटन लगाएं, उसके बाद आप उन्हें केसर या हल्दी वाले पानी से स्नान करवाएं। आज के दिन तिल का उबटन भगवान को लगाने से दोस्तों जन्मों की गरीबी दूर होती है। आज रविवार है, स्नान के पानी में, क्योंकि माघी पूर्णिमा में दोस्तों गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो आज स्नान के पानी में गंगा जल जरूर डालें और जिनके घर में अधम गरीबी है वे लोग तिल भी नहाने के पानी में जरूर डालें। तिल का उबटन खुद भी घिसे अपने शरीर में। और आज के दिन सूर्य देव को जो आप जल अर्पित करते हैं, उस जल में, क्योंकि आज रविवार है, पूनम का दिन हो और रविवार पड़ जाता है, तो उस दिन दोस्तों सूर्य देव को ये जो चीजें बता रही हूँ इन चीजों को जल में डाल करके अर्पित करने से जन्मों की गरीबी दूर होती है, आपके पद और प्रतिष्ठा बढ़ते हैं, आपका व्यक्तित्व जबरदस्त रूप से चमकता है। सबसे पहली चीज, मतलब पहले तो आप स्नान आदि करें, नहा धोकर के स्वच्छ हो जाए, तांबे के लोटे में जल भर लें। आज के दिन सूर्य देव को जो आप जल अर्पित करते हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर डालें। दोस्तों, किस्मत सोने जैसी चमकेगी। जल में हल्दी भी मिला दें, हल्दी लक्ष्मी प्रधान है। जो लोग सूर्य देव को हल्दी वाला जल अर्पित करते हैं उनके जीवन में ऐसे भी कभी गरीबी नहीं आती, वे लोग कभी बेरोजगार नहीं रहते। एक चुटकी तिल जल में डाल दें, तिल डालने से भी दोस्तों गरीबी हमेशा के लिए दूर होती है। थोड़ा सा गुड़ डालें, गुड़ डालने से आपके घर में हमेशा ऐश्वर्य रहेगा। लाल रंग का पुष्प गुड़हल का डालें, ये तमाम चीजें पानी में डालें, घी का दिया जलाएं, अगरबत्ती ले लें, भगवान की आरती उतार लें घी के दिए से और उसके बाद में ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीम स्वाहा इस मंत्र को आप बोलते जाएं और सूर्य देव को ये तमाम चीज मिलाया हुआ जल आज के दिन आप अर्पित करें। आज दिन में भी यदि आप ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो सूर्य देव की जबरदस्त कृपा आपके ऊपर उतरेगी। जो लोग सूर्य गायत्री मंत्र जानते हो वे लोग यदि आज के दिन सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो उससे भी किस्मत जबरदस्त रूप से चमकती है। आज के दिन दोस्तों जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दान पुण्य करें। आज के दिन तिल का दान करें, गुड़ का दान करें, जिन चीजों से आपने सूर्य देव की पूजा की है चीजों का आज के दिन आप दान करें। सूर्य यदि आपके कमजोर है तो मजबूत बनेंगे, करके देखें।
जिन लोगों की लाइफ में अपियस बहुत ज्यादा है उन्हें तो आज के दिन बिना भूले ये उपाय कर लेना चाहिए, ताकि जो भी आप काम करते हैं उसमें आपको यश मिले, आपके पद और प्रतिष्ठा बढ़े। करके देखिए, कोई ऐसी बात है जो समझ में ना आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।